उस समय उन सवालों को उठाना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे एक देश में, जिस देश में आज 9 अगस्त है, आज से 77 साल पहले इस देश में क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो इस नारे के साथ लाखों लाख हमारे देशवासी सड़क पे उतरे थे अपने आजादी के लिए, इस चीज के लिए कि भारत के लोग अपना फ्यूचर खुद तय करेंगे, अपना सरकार खुद चुनेंगे, कौन से नीतियों के बतौर देश चलेगा ये भारत के लोग तय करेंगे। और इसीलिए आजादी का आंदोलन लड़ा के 77 साल बाद आज ये सवाल उठाना जरूरी है कि जो आजादी के लिए हमारे देश के लोगों ने लड़ा, इतने लोगों ने कुर्बानियां दी, उस लोकतंत्र को जिंदा रखना जरूरी है। इस देश के लोगों को इतना हक बनता है कि वो वोट कहाँ पे दे रहे हैं, चाहे वो जिसको भी दे, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी को ही दे या अपोजिशन को दे, उनको जानने का हक है कि वो जिसको वोट देना चाह रहे हैं गिनती वही हो रही है। ये जानने का हक इस देश के आवाम को है और इसीलिए इस देश की ईवीएम का जाना जरूरी है। ये ऐसा एक देश है जहां पे हम सब लोगों को पता ही सच्चाई है कि जो मौलिक अधिकार एक आजाद देश के नागरिकों को मिलनी थी वो इस देश के ज्यादातर आवाम को नहीं मिला है। अच्छे सरकारी स्कूल में पढ़ना, स्वास्थ्य का अधिकार, जिंदगी का अधिकार, बीमारी हो तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने का अधिकार, एक सम्मानजनक नौकरी का अधिकार, एक आजाद देश के नागरिकों के पास यह हक होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। ये बात सच्चाई है। और अगर नहीं है तो कौन से ऐसी नीतियां होंगी, कौन सा सरकार चुन के आएगा जो जनता के प्रति जवाबदेह होगा, कौन सा ऐसा सरकार चुन के आएगा जो बड़े कॉर्पोरेट्स के प्रति नहीं, जो विदेशी पूंजीपतियों के प्रति नहीं, देश के जनता के प्रति प्रतिबद्ध होगा, ये तय करने का हक हमारे देश के जनता को है। लेकिन ईवीएम मशीन का जो एक तरीके से ट्रेजेडी है, वो ट्रेजेडी ये है कि टेक्नोलॉजी के नाम पे देश के जनता से ये हक छीना जा रहा है कि वो जिसको वोट देना चाहते हैं वहां पे वोट जा रहा है कि नहीं, ये उनको पता ना चले। देखिए, हमने पूरा चुनाव का प्रक्रिया देखा, हम मीडिया में हमारे एंकर्स को सुनते हैं, हम लोगों को पता है कि ज्यादातर मीडिया आज के समय में, मीडिया के एंकर्स वो खबर नहीं दिखाते, वो हमारा आपका खबर नहीं दिखाते, वो ये नहीं दिखाते कि हर रोज हम लोग आप कैसे जी मर रहे हैं, ये नहीं दिखाते बीमार पड़े तो हॉस्पिटल हमारे लिए मुहैया है कि नहीं। वो एंकर टीवी रूम में बैठ के सत्ताधारी पार्टी के प्रचार का काम करते हैं। सत्ताधारी पार्टी जो कहता है, उनके नेता जो कहते हैं, उसको रिपीट करने का काम करती है हमारे देश की मीडिया। आज के समय में ये सच्चाई है। हमने चुनाव के दौरान देखा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको न्यूट्रल रहना था, पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान ऑपोजिशन लीडर्स को चुप कराने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया, बार बार राहुल गांधी जैसे नेताओं को नोटिस थमाया गया कि आप ये भाषण नहीं दे सकते, आप वो भाषण नहीं दे सकते। हम लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह सारा कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करके धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, आर्मी के नाम पे उन्होंने वोट मांगा, लेकिन एक बार भी रूलिंग पार्टी के नेताओं को नोटिस नहीं पकड़ाया गया। हमने देखा कि बंगाल में किस तरीके से चुनाव प्रचार का डेट एक दिन आगे बढ़ाया गया, जब विद्यासागर का स्टैचू तोड़ा गया बंगाल में, जब भाजपा के लोगों ने वहां पे विद्यासागर का स्टैचू तोड़ा और बंगाल के अंदर लोगों में गुस्सा फूटा, उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव प्रचार का डेट एक दिन आगे कर दिया ताकि ये जो प्रचार है, ये जो गुंडाई भाजपा के लोगों ने किया, ये जनता तक ना जा पाए। नरेंद्र मोदी का जिस दिन रैली था वो रैली खत्म करवा के ही चुनाव प्रचार का दौर खत्म कर दिया गया, ऑपोजिशन को जवाब देने का मौका नहीं दिया गया। हमारे पास आज पढ़ने का हक नहीं है, इलाज कराने का हक नहीं है, ठीक जगह पे रह पाए घर का हक नहीं है, स्वास्थ्य का हक नहीं है। और जब वोट देके
जी के नाम पे ईवीएम मशीन पकड़ाया जाता है। हम सवाल पूछना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस देश के जनता को झूठ क्यों बोल रही है? क्यों हमको बोला गया कि ईवीएम मशीन एक बार अगर बन जाता है तो उसमें उसका प्रोग्रामिंग चेंज नहीं हो सकता, जबकि आरटीआई का रिप्लाई कहता है कि ईवीएम मशीन का प्रोग्रामिंग, मतलब आपने वोट दिया और उसके बाद वो प्रोग्राम होके दूसरे जगह आपका वोट चला जाएगा, ये संभव है? ये राइट टू इंफॉर्मेशन के बतौर जो उस समय खत्म नहीं हुआ था, जो इंफॉर्मेशन मिला ये सामने आया। हम पूछना चाहते हैं 56 लाख वोट का जो हिसाब का गड़बड़ी है, जो वोट पोल हुआ और जो वोट काउंटेड हुआ, इन दोनों में 56 लाख वोट का जो गड़बड़ी है उसका हिसाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों नहीं दे रहा है? दोस्तों, हमको कहा जाता है कि बैलेट में रिगिंग होता था, ईवीएम में रिगिंग नहीं होता है। हमने चुनाव प्रक्रिया के दौरान देखा कि सत्ताधारी पार्टी के लोग दूसरे का, हमने वीडियो में देखा कि दूसरे का वोट जाके वहां पे बटन दबा रहे हैं, जो वोटर है वो नहीं दे रहा है। रिगिंग ऐसा एक चीज है जो बैलेट में भी हो सकता है और ईवीएम में भी हो सकता है। जो गुंडाई करते हैं, जो बूथ कैप्चर करते हैं, उनको अगर छप्पा बैलेट में लगाना है तो ईवीएम में भी वो जाके दूसरे के बिहाफ पे बटन दबा सकते हैं। लेकिन बैलेट में जो आदमी वोट देता है उसको पता रहता है, मैंने यहाँ थप्पा दिया तो थप्पा यहाँ लगा। ईवीएम में हमको आपको पता नहीं है, मैंने यहाँ बटन दबाया तो मशीन के अंदर कौन सा प्रोग्रामिंग है, जो प्रोग्रामिंग, जो कोड मेरा वोट किसी दूसरे को दे देगा। और इसीलिए लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ईवीएम का जाना जरूरी है, और इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि ईवीएम वापस जाए। लोकतंत्र में सिर्फ सत्ताधारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, बाकी पार्टियां भी चुनाव लड़ती है, सबके सहमति का जरूरत है, तभी जाके वोटिंग जैसा एक प्रक्रिया, उसका एक मान्यता देश के आवाम के बीच में रहेगा। इसलिए ईवीएम जाए और बैलेट में हम लोग वापस जाए, ये इस समय की मांग है, इस समय की जरूरत है।